हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल गेमिंग बीस्ट में। और आज हम खेल असैसिन क्रीड का नेक्स्ट मिशन जो देखने जा रहे हैं हम लोग। 3000 मीटर दूर है, तो अपने को बस सेल करना है और वेट करना है वहाँ तक जाने पहुँचने का। और यार, अपन इसके पहले थे नॉर्थ अटलांटिक में, अपन वापस आ गए रिवर वैली पे। और ये आना जाना तो लगा रहेगा अपने, क्योंकि सारे मिशंस और कनेक्शंस स्टोरी मोड को लेके अपन चल रहे हैं, तो अपन को ट्रैवल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके पिछले वाले मिशन में आपने देखा था कि मैंने जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को बचाया था, और उसके बाद अपने रास्ते में अपने को फ्रेंच लोगों से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसके उन लोगों के बहुत सारे शिप्स आ गए थे अपने रास्ते पे। और मैं देख लेता हूँ पहले कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। ओके, तो काफ़ी दूर है ये जगह, पर फास्ट ट्रैवल नहीं किया जा सकता, अपने को ट्रैवल ऑन द वे करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ होते हुए फिर पहुँच जाऊँगा। वैसे ज़्यादा दूर लगता है मैप में, पर है नहीं, तो अपन मोड़ लेते हैं शिप को। ओके, तो गाइस इसके पहले वाले वीडियोस आप देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ ना आए तो, क्योंकि अगर आप स्टोरी मोड समझना चाहते हैं इसकी पूरी स्टोरी, तो आपको सीक्वेंस में ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अगर बीच से कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसके पहले क्या हुआ था। तो पुराने वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं आप, मैं इसके ये वीडियो एंड होगा तो आपको रेफरेंस में आ सकता है, तो जैकी वाली वीडियो चेकआउट कीजिएगा। और यार फिर से ये चट्टान आ गया यार। ओके यार, शिप क्या स्पीड में रहती तो मुड़ती नहीं, तो अपने को स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और उसके बाद ही ये कंट्रोल हो पाता है। यार इतना बड़ा शिप है, चलाना आसान नहीं है। ओके, सामने अपना ही फोर्ट है, ये अपने ही लोग हैं। ब्लू मार का मतलब है कि अपने लोग हैं ये, और ग्रीन फोर्ट पे ग्रीन का मतलब ये कि अपना फोर्ट है। अगर रेड रहता तो ये अपना नहीं एनिमीज का फोर्ट होता। और क्या है, मैप यार बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि ओके अपने को राइट जाना है, तो मैं फिर से भटक जाऊंगा और कहीं जाके फिर मुझे रुकना पड़ जाएगा। ओके, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है लगता है, और मेरे क्रू मेंबर्स को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे तो बहुत मेहनती बंदे हैं मेरे क्रू में, और गाना गाते हुए बिल्कुल जोश में हमेशा रहते हैं कितनी भी मुसीबत आ जाए। और फिर से मुझे स्लो करना पड़ रहा है ये, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अपन स्पीड पे टर्न नहीं ले सकते। और शेयर भी सेल कर रहा है व्हील व्हील पर, वही खड़ा हुआ है। तो भाई मैप में देख के लगता भले है कि बहुत दूर है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि अपनी शिप की स्पीड बहुत अच्छी है। मॉरिगन शिप, अपना मॉरिगन नाम है अपनी शिप का। और यार इसे मैं कंटिन्यूसली अपग्रेड कराता रहता हूँ क्योंकि इधर उधर। ओके भाई, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, इसकी वजह से मेरी शिप टकरा भी गई है। देखिए ऐसे ही मेरी शिप कहीं कहीं टकरा जाती है तो ये हो जाती है डैमेज, और इसे रिपेयर कराना पड़ता है और अपग्रेड भी कंटिन्यूसली कराना पड़ता है। और मैं फिर से ओके लेफ्ट चैनल टॉप स्कैलेट्स रॉयल स्टड चलते फिरते ऐसे ही उड़ाता रहता हूँ, और ये मैं आग लगा देता हूँ ताकि लोग मेरे पीछे ना आ पाए। ओके नहीं भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है मेरी शिप्स को। इसका आगे वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि कितना काफ़ी आगे निकला हुआ है, ये सामने वाली शिप्स को डैमेज करने के काम आता है। तो यार मेरे को थोड़ा सामने देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि अचानक से चट्टान आ जाती, लगता है कि दूर पर रहता है वो बहुत पास, और मैं लोके रेंज में फिर से आ चुका हूँ फोर्ट के, पर लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ। और
और ये सब बाद में निपटेंगे। पहले तो अपन अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा पोजीशन अपना। ये तो अपनी शिप होगी, फोर्ट एरिया। ओके नो प्रॉब्लम। तो ये आ चुके अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर अपने को मिशन स्टार्ट करने का ऑप्शन आया था, तो मैंने मिशन स्टार्ट कर लिया है। अब देखते हैं मिशन का नाम क्या है, मिशन मतलब करना क्या है। हेल एंड गुड मॉर्रो जेंटलमैन, वंस अगेन कैप्टन फुक्स रिसोर्सफुलनेस हैज सर्वड अस वेल। आई हैव लोकेटेड द मैन यू वर सीकिंग। और वाले एग्जैक्टली डिस्कशंस हो रहे हैं काफी। ही वाज लास्ट सीन इन द फ्रेंच फोर्ट नॉट 2 लीग्स फ्रॉम हियर अलोंग द रिवर। व्हाट वुड दैट स्कैलीवैग बी डूइंग इन अ फ्रेंच फोर्ट? Refitting his vessel, I suppose, after Louisburg. Thank you, Master Cook. क्योंकि अपने को वैसे ही पता चल जाएगा कि अपने को करना क्या है। और यार एक चीज कर लेता हूँ पहले। म्यूजिक का वॉल्यूम कर देता हूँ कम, इनफैक्ट खत्म ही कर देता हूँ, क्योंकि इससे लग जाता है अपना अपने को दिक्कत हो जाती है इससे। तो अपन चलते हैं लोकेट एडे वाले, चलते हैं फिर अपने मंजिल की ओर। अरे भाई 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 भाई, ओके Those rivers barely have enough draft for an ocean-going vessel. She'll be nearly impossible to maneuver. Maneuverability is hardly the point. Okay, sail to the shore undetected. का मतलब अपने को किसी के नजर पे आए बिना और लोग के रास्ते पे आए बिना अपने को शोर पर जाना है. And do try to remain unseen. We don't want to attract. Okay, try to remain unseen. मतलब किसी भी नज़र में अपने को नहीं आना है और ज़्यादा दूर नहीं अपना शोर जो है। ओके अब देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का जो एरिया बना हुआ है ये लोग के नज़र पर है और इससे दूर ही रहना है मुझे। और इसे क्रॉस करके अपन निकल चुके हैं। अपने को कोई वॉर नहीं चाहिए अभी फिलहाल और ये अपन बड़ी आसानी से पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर। और ये जैसे लैंड माइंस है आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पर सी माइंस पीछे हुए। भाई इधर चल, भाई इधर 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 अपने हथियार निकाल लिए जाए क्योंकि रास्ते में कोई भी अड़चन आ सकती है और लोगों को निपटाना ज़रूरी रहता है अपने को। और ये है पहला और इन झाड़ियों के बीच से जाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। भाई इसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, उसकी गलती नहीं है। दूसरा बंदा कहाँ है? ऊपर ऊपर तो नहीं, कहीं शूट कर देगा मुझे यार। हो सकता है ऊपर ही हो। ओके हाँ ये ऊपर है। ओह बड़ी आसानी से काम हो गया, सिर्फ एक धक्का मारने से ही काम हो गया। तो अपन लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। अरे भाई गिर गया भाई। ये लो भाई। तो थोड़ा सा खत्म। और एक बंदा और बच गया वहाँ पर, इसे क्यों छोड़ू फिर। भाई एक चीज़ मैं नहीं करता हमेशा,
वो ये कि लोग वो लूटता नहीं है, मुझे लूटना चाहिए क्योंकि मेन अपने को पैसे से ज़्यादा एमोज़ की ज़रूरत रहती है, चाहे वो ग्रेनेड्स हो चाहे वो बुलेट्स हो, तो वो अपने बहुत काम आता है। तो यार ये सारी चीज़ें मेरे को करनी चाहिए। ये और है भाई, ये अमोनिशन है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को मिलती जो है वो सारी चीज़ें लूट लेनी चाहिए जहाँ भी मिले, क्योंकि ये मेरे ट्रेजर को बढ़ाएंगी। अरे भाई भालू मार दिया लोगों ने, और ये मरा हुआ भालू है और उसका स्किन मैंने यूज़ कर लिया है। यार ऊपर जाना है। अरे भाई ओ भाई ये भालू निपटा देगा मुझे। ओ शिट भाई, ये तो पहली बार हुआ ऐसा कि भालू मेरे सामने आ गया। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे कि ये होने वाला है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि जंगली जानवर ने मुझे अटैक किया हो, पर अब ये भी पता लग गया है। से लड़ने की बहुत अच्छी कोशिश करने वाला हूँ भाई। ओके ये लूटेड है पहले से, मैंने ही लूटा था। और कोशिश करूँगा इस बार ऊपर से ही जाने की, क्योंकि नीचे जाने से मुझे भालू मिला था, हो सकता है कि ऊपर ना मिले। भाई बंदा ख़त्म, नीचे देख सकते हैं आप एक भालू मरा पड़ा है। ओके यहाँ से तो नहीं जा सकता, जाना यहीं से पड़ेगा अपने को। अरे भाई चढ़ जाए यार यहाँ से। ओके तो फिलहाल भालू मुझे नहीं दिख रहा है भाई, भालू का ही डर हो गया है। ओके 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 भालू लोगों ने पाल कर रखा था कि क्या। ओके शूट कर दूँ। अरे भाई अगली बार इसको दूर से शूट कर दूंगा यार। Go to the fort. Find out what Adewale is doing there. Keep the Morgan close, Kiss. बार दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता हूँ। जा रहा है बंदा, इस बार नहीं लूटता। काफी देर हो गई मुझे, और सीधा इस बार ऊपर चलता हूँ। काफ़ी जल्दी लड़के लोगों से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि
ओके कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन ये लग रहा है भालू से निपटने का कि मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ और भालू को शूट कर लेता हूँ। अरे भाई एक ही गोली है पर यार दिक्कत ये है एक गोली से कुछ भी नहीं होने वाला। ओके ब्रदर ये हुई ना कोई बात, दूर से ख़त्म कर दिया मैंने उसे और कोई दिक्कत नहीं है, उसको पड़े रहने देता हूँ। मैं अपने को ऊपर की तरफ से जाना है, मैं ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जगह बनी हुई है यहाँ से भी नहीं जा सकता मैं। रास्ता क्या है भाई यहाँ जाने का? ओके अपने को रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये पेड़ से चढ़ के देखता हूँ। ओके ये रास्ता, अरे भाई 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 ये मैं आ गया हूँ। लोकेशन पे मुझे और भी गार्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ से 97 मीटर से लगा मेरा तरीका। और ये अपन पहुंचने वाले हैं अपने रास्ते पे, अपनी जगह जो है लोकेशन वहाँ पहुंच चुका हूँ मैं। अरे भाई शूट करने वाला है, मुझे शूट करने वाला है कोई। ओके बंदा वहाँ है, भाई नीचे से थोड़ी नहीं शूट करेगा, उसे ऊपर ही जाके निपटा देता हूँ। अरे भाई अपनी शिप में मेरे को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि अरे भाई ये बंदा हमेशा पानी में कूद देता है। भाई जल्दी चढ़ जा और इस व्हील संभाल लेता हूँ मैं। मेरे क्रू मेंबर्स बड़े खुश हो गए हैं। भाई भाग रहा है वो बंदा, लोगों को बिल्कुल मुझे पकड़ना है और जाने नहीं देना है आगे। और अपने पीछे लग गए हैं, नहीं पीछे कोई भी एनिमी नहीं लगे और यहाँ से इन लोगों को डैमेज करना शुरू। ओके मैं इसके पर पेंडिकुलर हो गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। भाई ये क्या स्मोक बॉम्ब फेंक रहे हैं लोग? भाई मैं इसके पीछे
चाहता हूँ और यहाँ से मेरा एम बड़ा सही बनेगा। ओके और हर तरह की कोशिश में कंटिन्यूस मुझे फायर करना पड़ेगा। कैप्टन लुक मोर्टर्स, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की लड़ाई हो रही है यहाँ पर। ओके अपनी शिप पूरी खत्म हो चुकी है। ओ भाई उन लोग से फिर से लड़ना पड़ेगा लग रहा है। Getting away. Only he'd stand still and fight me. Andromale is facing you on his own terms. वो मेरे शिप पर पहले ही टकरा चुकी है पर उसे इस बार मैं दूर से सबक सिखाऊंगा। As we'll be swimming home tonight. This river's getting uncomfortably narrow. Don't you worry, sir. Shay has gotten us out of tighter scrapes before. Okay, yahan se ye chalu kar dena chahiye log pe aim karna. Ho gaya bhai, zara speed mein jaane ka. Ye kar diya maine. Ready to the main street. Fire! हर प्रकार फायरिंग करूंगा लोग ऊपर। वार्निंग इट इज डिस्टेंस टू टारगेट। ओके ओके मुझे लगता है कि मैंने काफी डैमेज कर दिया है लोगों की शिप्स को। और ये खत्म हो चुकी है लोकेशन। इस बार जो भी मेरे पास एमिनेशन से जितनी भी पावर थी मैंने सारी अप्लाई कर दी है। He's making a last stand. Let's not disappoint him. तो इस अटेम्प्ट में मैंने उसे डैमेज कर दिया। I will circle around. ओके भाई शे अकेले काफी अब देख सकते हैं कि मेरे पूरे जो टू मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मेरा वेट करते हैं और मैं अकेले ही शिकार करने के लिए जाता हूँ। ओके गाइस लोगों को लूट लिया जाए नहीं लोगों के पास कुछ भी नहीं। भाई किस तरफ गया बंदा इस तरफ। और फिर से यहाँ पर स्टॉकर्स की आवाज आ रही है मुझे। ये बना हुआ यार यहाँ से चढ़ जाता हूँ और सबसे पहले शूटर को एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। Where my father had a sense of humor.
sense of shame. Do not speak ill of your father, boy. If you become half the man he was, I have him in my sight. You are quick, boy, but not very clever. ओके भाई, मैं बिना लोगों के ये हैं स्टॉपर्स, देख सकते हैं तो जगह जगह से निकल के मुझे और ये भाई और इन लोगों को मुझे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। टारगेट लॉस्ट। अरे यार, इसका पीछा कंटिन्यूसली करते रहना है, मतलब क्योंकि वो भाग रहा है इंसान। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं शूट कर सकता हूँ उसके ऊपर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे यार, मेरे पास एमिनेशन भी नहीं है, की बात वही है। और अगली बार किसी के पास करता हूँ, धीरे धीरे से इसके पास है, इसके पास होना चाहिए एमिनेशन। और मैं एक ना एक बुलेट तो मिलेगी मुझे, ना नहीं मिली। बॉस ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो शूटर जो पिछली बार मुझे मिला था वो अभी भी खड़ा है। और झाड़ियों के बीच से जाना ज़्यादा सही है। अरे अरे भाई, अरे यार, शूट तो कर चुका है मुझे, बस गन भी गिर गई यार, ऐसा तो नहीं है सीधा। ओ, सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए। भाई बगल से निकल चुका है बंदा, बुला लिया जाए लोगों को यहाँ पर अंदर। तो यार, इन लोगों से मैं मुझे एक भी बुलेट्स मिल गई अगर तो उतना मेरे लिए काफ़ी होगा। एक बुलेट मिल चुकी है मुझे। आ जा भाई, अंदर आ जा। और मुझे इनकी जितनी भी आर्मीज हैं यहाँ पर, जितने भी बंदे हैं, सबको निपटाना पड़ेगा ही किसी भी हाल में, क्योंकि ये लोग तो मुझे मारेंगे ही मारेंगे। तो मैं या तो फिर नज़र रखता हूँ दूर से और उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ, पर ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, चांस बहुत कम है ऐसा होने का। पोजीशन ये रही अभी, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको दूर से शूट करूँ ताकि
कोई दिक्कत ना हो और वो भाग भी ना पाए जल्दी से। अरे भाई स्टॉकर्स बड़े बेकार होते हैं, वो छुप के वार करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि जैसे यहाँ से निकल जाएंगे अचानक से भी। ओके आप देख सकते हैं भाई कहीं से भी चाकू मार के निकल जाते हैं भाई, ये तो गलत बात है। और you're quick boy but not very clever. अरे भाई कहाँ भाग रहे हैं? You are quick boy, not very clever. यहाँ से निकलेंगे कहीं से भी स्टॉकर्स तो दिक्कत हो जाएगी। come, come. और यार आपने देखा कि कैसे स्टॉकर्स मेरे पीछे आ गया फिर से, पर मैं इस बार इसको भागने नहीं दूंगा। ओहो यार फिर से स्टार्ट ना हो यार ये मिशन। I will take the high ground and provide a distraction. Find another way. Stop. ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं तीन बार फेल हो चुका हूँ और भाई जल्द से जल्द निपटा के मैं। ये हैं स्टॉकर्स, इस तरीके के दिखते हैं, मेन विलन है यहाँ पर भाई। गार्ड से बाहर खड़े तो दिख जाते स्टॉकर्स, तभी भी अचानक से आ जाता है। अरे भाई बंदा, और इन सभी लोगों से मुझे लड़ना पड़ेगा और यहाँ से मैं गार्ड्स लोगों को उड़ाना चालू करूँगा। आजा भाई आजा। भाई ऊपर से जो बंदा गिरा था वो ये था। और हाँ मैं तो ग्रेनेड से भी इसको उड़ा सकता हूँ, पर दिक्कत ये कि कोई अगर देख ले तो फिर प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो मैं पहले चढ़ जाता हूँ ऊपर यहाँ से और पहले गार्ड्स लोगों को पिछली बार की तरह निपटा देता हूँ जल्दी जल्दी और फिर अपन जल्दी क्लियर। स्टॉकर्स से भी ज़्यादा बचकर रहना पड़ेगा मुझे। Yeah.
और या तो मैं दो चीज़ कर सकता हूँ गाइस, या तो फिर मैं स्टॉकर से दूर ऐसे रह सकता हूँ कि एम्बुश के बीच में ना जाऊँ, जो ये झाड़ियाँ हैं उसके बीच ना जाऊँ, और या तो फिर इसे जल्दी से उड़ा दूँ। भाई ये है अंदर बंदा, चुपचाप मैंने इसे निपटा दिया। आपने देखा दो गार्ड्स खड़े थे, फिर भी इसे निपटाना इतना आसान था। बस शर्त ये थी कि गार्ड्स लोगों को पता ना चले, और अडवाले को मैंने निपटा दिया है, और मुझे लगता है कि इसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। Then I go there proudly, knowing I have done right. It does not matter. Achilles already has what he needs. I will kill every last man who defends him if I must. I cannot let him succeed. You okay. have become a monster, Shade. Perhaps I have. Come. तो भाई एडे वाले ख़त्म हो चुका है और ये मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलता है नेक्स्ट मिशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।